My dear students, you know that these days we are providing lectures on the BA fifth sem, and you know that we have discussed the first unit that was about secondary education, and then we discussed also we have given you providing lectures on the higher education. Before we proceed the last topic of the second unit, that is higher education, you all my dear students are welcome in our channel. The name of the channel is Dr. A. Sahmar. Your support is tremendous. You have given a tremendous support, and that is why our channel is day by day growing because of your cooperation and your watching. And so in future we will provide you more valuable videos about this education, but keep in watching these videos, be in contact with this channel for the future also. तो यहाँ पर मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो हमारी चैनल है इसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर दिलचस्पी दिखाई है, आपकी वजह से ये दिन ब दिन ग्रो हो रही है, और भी बहुत सारे इसमें कुलीग्स हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जैसे उसमें ओएस है, जाहिद है, वसीम है, और भी आउटसाइड जैसे मेरे घर में भी बहुत सारे हैं जिनका सपोर्ट है हमारे चैनल में, वो इस पर काम कर रहे हैं और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा इंशाल्लाह हमें फ्यूचर में भी मिलेगा, क्योंकि ये इसमें हम ऐसे वीडियोस नहीं रखते हैं, सिर्फ ऐसी वीडियो हम रखते हैं जिससे बच्चों को फायदा हो, आपकी नॉलेज बढ़े और शॉर्टेस्ट वे में आप नॉलेज हासिल कर सकते हो, मगर फ्यूचर में भी हमें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब साथ-साथ कीजिए। तो जो लास्ट यूनिट है, इस जो लास्ट टॉपिक था इस हायर एजुकेशन का, वो था आपका रूसो, जो हमने आपको पढ़ाया कि ये जो रूसो का कंसेप्ट है, हाँ रूसो, इसका जो एब्रिविएशन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो ये एक स्कीम आ गई इंडिया में हायर एजुकेशन को डेवलप करने में। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि एसएससी वो आई थी एलिमेंट्री एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, वो आई थी, हाँ इसके बाद आई थी रामसा, वो आई थी आपकी सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने में, तो इसी तरह से इसके बाद जो कॉलेज हायर एजुकेशन का है, जैसे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है, उनको हमें किस तरह से डेवलप करेंगे, फैकल्टी को बढ़ाएंगे, करिकुलम को अपग्रेड करेंगे, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म लाएंगे, टीचिंग मेथोडोलॉजी में रिफॉर्म लाएंगे, इसी तरह से रिसर्च को अपग्रेड करेंगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए एक स्कीम आ गई, तो उसका नाम था रूसा, जिसका नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो ये एक होलिस्टिक स्कीम थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, एंड इट वाज कंडक्टेड, इट वाज गिवन बाय दिस लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके बाद भी अगर हम इसके हमने पढ़े थे जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे कि तो किस किस काम पर इसने ज्यादा फोकस किया था, वो था जो हमने डिस्कस किया है, डियर स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उनको हम किस तरह से डेवलप करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड रखेंगे बच्चों के लिए। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था, इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो इसके बाद जो दूसरा हमने पॉइंट आपको बोला कि ये जो रूसा का जो दूसरा पॉइंट था, किस पर फोकस था, फैसिलिटेटिंग इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट लेवल, कि यहाँ पर हमें किस तरह से प्लानिंग करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, इस सिस्टम पर भी, इस ऑब्जेक्टिव पर भी जोर था रूसा का। इसके बाद अगर माई डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे कि इसके बाद भी और एक पॉइंट था इस पर, एनश्योर एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन, जो मैंने आपको बोला रिफॉर्म्स, कि ये वाला जो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि रूसा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि हम किस तरह से हमारे कॉलेजेस हो या यूनिवर्सिटीज हो, कि दीज आर द इंस्टीट्यूशंस विच गिव हायर एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स, सो मेन फोकस था कि हम एकेडमिक एक्सीलेंस को किस तरह से बढ़ाएंगे, ये भी रूसो का मेन पॉइंट था। इसी तरह से जो एग्जामिनेशन फॉर्म, क्या हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, इंडिया में मेन प्रॉब्लम है, चाहे एलिमेंट्री लेवल से हायर एजुकेशन लेवल तक एग्जामिनेशन अभी तक हमारा वीक है, उसमें बहुत सारी वीकनेसेस है, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रूसो भी इसी पर जोर दिया है कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन, हाउ वी कैन डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन सिस्टम इन हायर एजुकेशन इन आवर कंट्री दैट इज इंडिया। तो मेन तीसरा ऑब्जेक्टिव था एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। इसी के बाद और एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बोला, एनश्योर एडुकेट क्वालिटी अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, ये भी एक पॉइंट था जिस पर ये रूसो वालों ने फोकस दिया था, वो था कि हम किस तरह से एक क्वालिटी फैकल्टी प्रोवाइड रख सकते हैं हमारे हायर इंस्टीट्यूशन में। तो पहले क्या था, पहले जो मैंने आपको बोला किस तरह से हमें
हायर एजुकेशन को हायर एजुकेशन जो है उसको क्वालिटी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। दूसरा था हम किस तरह से हम प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाएंगे, और इसके बाद और भी जो जो था एकेडमिक एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म लाएंगे, और जो मैंने आपको बोला कि क्वालिटी फैकल्टी हम प्रोवाइड रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और उसके बाद और एक पॉइंट था कि इम्प्रूव इक्विटी इन हायर एजुकेशन फॉर देम, एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पर और एक ऑब्जेक्टिव था उसको कि जो यहाँ पर बैकवर्ड्स है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए भी हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी लाएंगे ताकि वो भी हायर एजुकेशन को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट और एक पॉइंट था वो था कि हाँ फैसिलिटेट, हम यहाँ के पर कह सकते हैं फैसिलिटेट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द स्टेट, कि ये मेन पॉइंट था कि हम किस तरह से हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में रिसर्च का जो डोमेन है उसको बढ़ाएंगे। तो इस पर भी उसको काम जैसे प्रोजेक्ट कराते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जो सोसाइटी में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं, उसकी जो फंडिंग आती है वो रूसों का मेन ऑब्जेक्टिव है, उस पर भी वो फंडिंग देते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये रूसा काम करते हैं वो है प्रोवाइडिंग एडुकेट, हाँ प्रोवाइडिंग एडुकेट फैसिलिटीज टू द वुमेन क्लास। तो वुमेन उसके लिए यहाँ पर गर्ल्स के लिए हायर एजुकेशन में इनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी रखी गई है, उनको फंड्स देते हैं, उनको पढ़ने का जो है बाकी चीज़ें वो उठाते हैं। तो वो उस पर भी किसने जोर दिया है, जिस रूसो ने वुमेन पर भी उन्होंने फंड उनका भी जो सिस्टम दिया है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। जो इसके बाद जो और एक ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, कि किस तरह से हम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आए। जो लास्ट जो है वो है टू अपग्रेड हाई पोटेंशियल एग्जिस्टिंग कॉलेज इनटू यूनिवर्सिटीज, किस तरह से हम अपग्रेड करेंगे जो हमारे मतलब कॉलेज है उनको, तो अगर हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो उनको फिर हम अपग्रेड कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो रूसो का जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस था, इसमें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। मगर इससे पहले कि हम आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, यू ऑल आर वेलकम इन आवर चैनल, द नेम ऑफ द चैनल इज डॉक्टर रईस अहमद। आपको सब यहाँ पर आपको हम कहते हैं कि आप आ जाओ इस चैनल में, आपकी हम सपोर्ट की जरूरत है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाकी स्टूडेंट्स को भी बोलिए। तो आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।